हरे कृष्ण भक्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से रविवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य देवता जो जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, सूरज की हर पहली किरण को उम्मीद की नई किरण के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सूर्य देव का एक नाम रवि भी है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव के नाम का उपवास कर उनकी आराधना की जाए तो उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं रविवार के व्रत की कथा का। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया हर रविवार प्रातः काल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लीपती, फिर सूर्य देव की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए पड़ोसियों के यहाँ से गाय का गोबर उसे लाना पड़ता। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने पर बुढ़िया का घर धन धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन उससे जलने लगी। अब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई ना होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। इस प्रकार वह निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसी सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया है, जिस कारण वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई ना होने के कारण वह भोजन भी नहीं बना पाई। तब सूर्य देव ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भुनने लगी। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय घर पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया और सोने के गोबर को उठा ले गई। गाय हर रोज सूरज उगने से पहले गोबर करती और पड़ोसन उठा ले जाती। बुढ़िया को यह पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर होती गई। अब सूर्य देव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन न हुआ और उसने राजा को बता दिया कि बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले तो वे हैरान हुए, लेकिन पड़ोसन को उन्होंने फिर चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक गाय ले आए। अब देखते ही देखते गोबर से सारा महल भर गया और हर तरफ बदबू फैल गई। राजा को सपने में सूर्य देव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए ही है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा नींद से तुरंत जागा और उसने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक वापस भेजा। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी, वे सूर्य देव की पूजा करेगी। रविवार के व्रत से उसका राज्य भी धन धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। पौराणिक ग्रंथों में रविवार के व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य वे घर में समृद्धि की कामना के लिए भी रविवार का व्रत किया जाता है।
इस व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान सूर्य देव को याद करते हुए ही तेल रहित भोजन करना चाहिए। एक वर्ष तक नियमित रूप से उपवास रखने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत